परशुराम मंडल बोलते है। अरे वाह भाई वाह, नवरात इंजोरिया ऐसी जगह चला रहा है गोसा महल में, कोई माइकल आज इसको नहीं पकड़ा। तेलंगाना प्रवासी समाज की जो आज स्थापना हुई है, जिसके पहले अध्यक्ष सुभाष चंद अग्रवाल साहब सर्वसम्मति से मनोनीत हुए हैं, उसका मकसद एक ही चीज़ है कि हम जो जगह जगह बचे हुए हैं और पूरे लोग एक साथ मिलके कोई भी सोशल सिक्योरिटी या किसी काम का तकलीफ किसी को होती है तो हम लोग पूरे लोग जाके उसकी मदद करेंगे। हर समाज के आदमी के पास हमारा ये तेलंगाना प्रवासी समाज हर समाज से पूछेगा कि उनको किस तरीके की तकलीफ है। हम इसमें सोशल सिक्योरिटी में किसी को कानूनी मदद होना, हम कानूनी मदद बना देंगे। अगर हेल्थ के सेक्टर में अगर कोई बीमार है तो हम कोशिश करेंगे हमारे मेंबर को हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया जाए, या कोई किसी की कोई गुंडागिर्दी कर रहा या किसी का बिजनेस अफेक्ट हो रहा है तो हम समाज के लोग वहाँ पर एक से ज़्यादा 100 आदमी जाके उसके साथ खड़े रहकर रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उसको सेफगार्ड करेंगे। हमारा मकसद यही है कि हम सब मिलके समाज पूरे समाजों को ब्राह्मण महेश्वरी राजपूत और जितने भी समाज है, तकरीबन 30 से 35 समाज है महेश्वरी समाज, इन सब के एक सुप्रीम बॉडी के तहत एक अच्छे लोगों को लेके लाखों की संख्या में, जिससे आपको ये मालूम ही है आज के ज़माने में एक दो 100 आदमी रहे तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। कोई भी गवर्नमेंट हो अगर उसके लाखों सदस्य बन जाते हैं तो उनकी बात हर आदमी सुनने को तैयार हो जाता। तो हमारा मकसद है सब मिलके लाखों की संख्या में होके हम ऐसा काम करें कि हमारे जो संस्था है, हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे जो मेंबर हैं, उनको कोई किसी बात की तकलीफ ना हो, उसको रोजगार मिले, उसको स्वास्थ्य मिले, उसको सोशल गारंटी मिले और सबसे बड़ी उसको प्रोटेक्शन दे और एजुकेशन दे, इसलिए ये संस्था का गठन किया। शर्मा जी, आप सालों से समाज की खिदमत करते आए हैं, अब एक नई एक मैं नो डाउट मेरी उम्र 79 ईयर है, मैं आजीगढ़ लिपु समाज का 35 साल से प्रेसिडेंट हूँ, वैसे ही बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन वो पर्टिकुलर एक समाज के लेवल पे जा रहे, एक मेरा जो अब तक का रोल है, मैं ब्राह्मणों के लिए काम करता था, हमारे रमेश महेश भाई या हमारे रमेश कुमार बंग साहब है यहाँ पर, वो महेश्वरी समाज के हद तक दूसरे लोगों को बढ़ावा देने के लिए थे। तो ये तेलंगाना प्रवासी समाज में हर किस्म के लोग जो बाहर से आए हुए हैं, जिनको कोई मदद नहीं मिलती, कोई किसी की किस्म की हेल्प नहीं मिलती, उसके लिए समाज का गठन किया गया। आज तेलंगाना प्रवासी समाज के मंच से तेलंगाना राज्य में बसने वाले हर प्रवासी को मैं न्योता देता हूं कि आप तेलंगाना प्रवासी समाज के मंच के साथ में अपनी सबकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप इस संस्था के साथ जुड़े, चाहे आप हैदराबाद में प्रवास करते हैं, चाहे आप आदिलाबाद में प्रवास करते हैं, चाहे वरंगल में प्रवास करते हैं, चाहे महबूबनगर में प्रवास करते हैं, चाहे मंचिरियाल में प्रवास करते हैं या चाहे भूपालपल्ली में प्रवास करते हैं, मैं राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में देश के विभिन्न कोनों से, कश्मीर के कुपवाड़ा से कन्याकुमारी के नागरकोइल तक और कच्छ से आसाम की भूमि तक, जिस किसी प्रांत से जहां के भी लोग इस तेलंगाना राज्य में बसे हैं, उन सब से आह्वान करता हूं, उन सबको निमंत्रण देता हूं कि आइए आइए और हम सब जुड़कर इस तेलंगाना प्रवास समाज इस संगठन को मजबूत करें, इस संगठन के तहत न केवल अपना विकास करें बल्कि इस राज्य का भी विकास करें और इस राज्य की जो विकास की
दर में कोई रुकावट आए तो हम सबके प्रयत्न से हमारी ये कर्ण भूमि स्वर्ण भूमि में तब्दील हो जाए, हम ऐसा प्रयास करें। इसके लिए मैं सबसे आह्वान करता हूं कि आइए और संस्था के साथ जुड़िए। आज ये छोटा सा एक प्रयास, एक जागरूक लोगों का प्रयास, एक 250-300 लोगों का प्रयास, एक कर्मठ जागरूक लोगों के प्रयास के तहत वह दिन दूर नहीं जब 31 दिसंबर 2023 से पहले इस संस्था के 50,000 से ज़्यादा सदस्य होंगे और शीघ्र हमारा टारगेट जो है 5,00,000 सदस्यों को इस एक वर्ष के अंदर इस संस्था के साथ में जोड़ने का रखा है। संस्था देश प्रेम से उत्प्रोत है, राष्ट्रवाद हमारा मुख्य उद्देश्य है। प्राणियों से प्रेम तो सभी करते हैं, हम इंसानों से प्रेम करने की भाषा बात करते हैं। आइए इंसानों से प्रेम कीजिए, आइए अपनी सामाजिक सुरक्षा के प्रति, आइए अपने सोशल एम्पावरमेंट के प्रति, आइए अपने स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं के प्रति, आइए अपने स्वाभिमान के प्रति, आइए और अपने प्रेम के प्रति सब संगठित होकर अपने उत्सव मनाएं, अपनी संस्कृति की रक्षा करें और न केवल इस राज्य की उन्नति के लिए अगर कोई बाधक हो, इस देश की उन्नति में भी अगर कोई बाधक बनने का प्रयास करे तो उसको मुंहतोड़ जवाब दे। यही मैं अब तेलंगाना प्रवासी समाज के और इस देश के सभी प्रवासियों से यही विनती करता हूँ। तेलंगाना प्रवासी समाज का मूल उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा, सोशल एम्पावरमेंट है। हर समाज सक्षम है। समाज में बहुत सारी संस्थाएं जो एजुकेशन के प्रति कार्य कर रही हैं, बहुत सारी संस्थाएं जो अन्नदान के प्रति कार्य कर रही हैं, बहुत सारी संस्थाएं जो मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद बनाती हैं, वो सब संस्थाएं अपना कार्य कर रही हैं। ये संस्था उन कार्यों में सहयोग तो देगी लेकिन ये संस्था का मूल उद्देश्य जो है वो कार्य के प्रति समर्पित नहीं है। ये संस्था मानवता के प्रति समर्पित है, ये संस्था मानवता के स्वास्थ्य के प्रति समर्पित है, ये संस्था मानवता के स्वाभिमान के प्रति समर्पित है। ये संस्था का उद्देश्य जो है सामाजिक और लोकल संस्थाओं से थोड़ा सा भिन्न है। ये पार्टी से मिलकर तो ये संस्था पूरी तरीके से सामाजिक रहेगी। इस संस्था न तो किसी पार्टी विशेष का समर्थन करेगी और न ही किसी पार्टी विशेष का विरोध करेगी। जो पार्टी इस राज्य की उन्नति में, जो पार्टी इस देश की उन्नति में, जो पार्टी हमारे आत्मसम्मान को विदेशों में कायम करने में सक्षम होगी, हम उस कर्मठ पार्टी का सहयोग करेंगे। ऑफ तेलंगाना प्रवासी समाज, सो रियली हैट्स ऑफ टू योर थॉट्स। And if you have, other up in case you just recollect, the country is celebrating Azadi Ki Amrit Mahotsav. So as part of it, we are also supposed to have Jan, it's like a people participation. Jan Bhagidari. What's it? Jan Bhagidari. Jan Bhagidari. You're right. So this is the program. I thought I'll take this opportunity. The defense people also here, we all encourage. The message is that wherever you are an Indian. Whatever you are an Indian. And the spirit of nationalism should be top on your things. We may belong to different languages, different cultures, but nationalism, Indianism, Hindustan ki, that should be our slogan. And with these few words, I congratulate you once again, and especially the many elders also. Aapko bhi pranam. Thank you all for giving me this opportunity. Jai Hind. और भिन्न भिन्न प्रकार के समाज के अध्यक्ष और ये जो नया बेजा उठाए हमारे समाज जी, जो हमारे तेलंगाना के लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि हम तेलंगाना में अलग अलग समाज बना के हम जो काम करना चाहते थे वो काम नहीं कर रहे थे, नहीं कर सकते थे। आज हमारे को सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बच्चे, हमारे बड़े बूढ़े और हमारे साथियों को सोशल सिक्योरिटी जरूरी है। बींग एजुकेट आई नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी। आज अगर किसी पर तकलीफ होती है,
हम पूरे समाज अलग अलग है, अग्रवाल समाज है, आदिगढ़ विप्र समाज है, सिखवाल समाज है, यानी मैं समझता हूँ तकरीबन जैन समाज है, हर जगह अपना अच्छा अच्छा चैरिटी का काम भी करता है, हर समाज के पास अपनी ताकत है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी देने के लिए एक ऐसी संस्था होना कि किसी आदमी को कोई तकलीफ होती है तो वो उस समाज को बोल देना और उस समाज का ये फर्ज हो जाता है कि हम जाके उनके साथ, उनके समाज के साथ, उनके मेंबरों के साथ खड़े लेके उनको साथ देना, जिससे हम हमारा एकता का परिचय दे सके। ये दिमाग में रखने के बाद मैं ये सोचा कि मैं भी वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन का तेलंगाना का प्रेसिडेंट हूँ, मैं आदिगढ़ विप्र समाज का प्रेसिडेंट हूँ, 30 साल हो गए, मैं भी बहुत यहाँ पर मेरे बहुत से यंग साथी आए जो ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, दूसरे में बाई प्रोफेशन मेरे को ये 60वां साल स्टैंडिंग है एज ए हाई कोर्ट एडवोकेट, और मैं अजीशेख पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट में 10 साल काम किया, मैं ऐसी ऐसी चीज देखा हूं समाज के भिन्न भिन्न बच्चों को, जब अगर कोई डिफिकल्टी आती तो कोई भी संस्था, कोई भी आदमी जाके उनका बढ़ावा या उसको बचाने की कोशिश नहीं करता। इसलिए मेरे दिमाग में आया हम पूरे राजस्थानी समाज, हरियाणा समाज, जैन समाज, अग्रवाल समाज और बिहार एसोसिएशन पूरे जगह अगर मिल जाएंगे तो जैसा कहावत है एक लकड़ी का कट्टा रहा तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता, अगर एक सिंगल लकड़ी रही कोई भी तोड़ देता, ऐसी संस्था बनाइए। बोलते मैं हमारे सुभाष जी से डिस्कस करा और मुझे खुशी हो रही है आज मेरी उम्र 79 है और 79 में मुझे यह खुशी हो रही है कि सुभाष जी ने मेरी बात को रखा और समझा, और मैं आपको मालूम होना चाहिए किस तरीके से कोई संस्था होती है तो पहले पहले एक आदमी को बराबर सामने आना पड़ता है, तो सुभाष जी हमारे साथ रहे 2-4-6 महीने से काम करे और मुझे उम्मीद है कि उनके लीडरशिप में हम पूरे जितने भी समाज आए यहाँ पर जितने भी यंग बच्चे हैं उनको बराबर सोशल सिक्योरिटी मिलेगी और उनको हर तरह से तन मन धन से सुभाष जी उसको सहायता करने को तैयार है। इसलिए मेरा पर्सनल विचार है, ये मेरा पर्सनल विचार है, कार्यकारिणी बाद में बनाइए, पूरे समाज के लीडर्स को बुलाइए, पूरे जगह से डिस्कस करिए, हर समाज का अपना प्रतिनिधि होना चाहिए, लेकिन जब तक कोई काम करने के लिए एक बड़ा आदमी घटना जरूरी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सुभाष जी माने या ना माने, आप लोग माने न माने, मेरा ये प्रश्न है कि मैं क्योंकि इतने दिन से मैंने कहते हुए सुभाष जी को इस समाज का तेलंगाना प्रवासी समाज का प्रेसिडेंट बना देना चाहिए सर्वसम्मति से। अब आपने आप विचार करिए, मैं यही चाहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस यही चाहता है, मैं साइन में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं अच्छे 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 आदमियों को भी देखा हूँ, बुरे आदमियों को भी देखा हूँ, यंग बच्चों को भी देखा हूँ और बूढ़ों को भी, मैं खुद बूढ़ा होगा, लेकिन उसमें जो सुभाष जी में जी है, जो मेहनत मैं वो दिल में जो इच्छा है, जो पब्लिक की सेवा करना चाहता है, तो ऐसे आदमी को ये प्रेसिडेंट बना के बाद में सुभाष जी अपनी मर्जी से पूरे प्रेसिडेंट से मिलकर एक कार्यकारिणी घोषित कर देंगे। तो आज मैं आप जितने भी लोग हैं सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग सुभाष जी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए सोचिए। धन्यवाद। मेरे बड़े रमेश भाई सब जगह
केदार भाई सब जगह यही बोल रहे, आप ये कर दो तो सबकी जगह मंदिर से बोल रहे, आज से तेलंगाना प्रवासी समाज के प्रेसिडेंट सुभाष अग्रवाल हुआ और हम लोग हाथ उठा के बताइए, हाँ मजा इसको बोलते हैं तेलंगाना की प्रवासी समाज। और सुभाष जी आप बेफिक्री होके पूरे के सबसे मैं आश्वासन देता हूँ कि हम आपके साथ हैं, आप अच्छे लोगों को चुनके कार्यकारिणी का गठन कीजिए, धन्यवाद और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको शुभ शुभकामना कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस पूरी गैदरिंग में आपको मिली है, उसको खुशी खुशी मनाइए और हमारी सहायता कीजिए, धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित सभी सज्जनों से मेरा अनुरोध है आप सभी भोजन करके जाएं, बिना भोजन से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, पीछे 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 आप कार्यक्रम के अंत में भोजन। थैंक यू। आरती जय सुभाष जी, आरती फोटो ले भाई।